प्यारे बच्चों, आज 2 अक्टूबर है और आज से 150 वर्ष पूर्व भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आज हम उनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी संग्राम करने वाले व्यक्तियों में महात्मा गांधी का नाम सबसे आगे आता है। महात्मा गांधी का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। उन्होंने एक बैरिस्टर और बहुत बड़े आंदोलनकारी, देश के लिए संग्राम करने वाले लोगों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के रूप में ना जीकर एक सामान्य साधु के रूप में अपना जीवन बिताया, इसलिए हम उन्हें महात्मा के रूप में जानते हैं और उन्हें महात्मा कहते हैं। उनके चित्र को यदि आप देखें तो पूर्ण वस्त्र भी नहीं है। उन्होंने ऐसा जीवन जिया जो एक सामान्य व्यक्ति से भी निचले स्तर का व्यक्ति, या हम कह दें एक गरीब व्यक्ति का जीवन, लेकिन ये तो केवल वेशभूषा है उनकी। उनके कार्य, उनके विचार, उनका नेतृत्व, उनके दिए गए हमारे लिए संदेश, उनका पूरा जीवन इतना अमीर है, इतना धनी है कि हम उससे जब जरूरत पड़े, जितना जरूरत पड़े उतना निकाल सकते हैं। आज भी गांधी जी के दर्शन पर लोग शोध कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, उसके बारे में ये रिसर्च की जा रही है कि आखिर महात्मा गांधी का जो सादा जीवन और उच्च विचार का जो सिद्धांत था उससे किस प्रकार भारत एकजुट हो गया, किस प्रकार भारत की शक्ति बढ़ी, किस प्रकार भारत को आज़ादी मिली। बच्चों, हम सब महात्मा गांधी के आदर्शों को यदि जीवन में उतार लें और उन पर चलें तो हमारा जीवन बहुत पवित्र जीवन बन जाएगा, जिसमें ना कहीं झूठ बोलने की गुंजाइश होगी, ना किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की गुंजाइश होगी, ना किसी प्रकार का भेदभाव होगा और ना किसी प्रकार की हम नफरत एक दूसरे के बीच में होने देंगे। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तानी, भारत के लोग, भारत के नागरिक अपनी सोच में एकता को सम्मान दे दें तो हमसे बड़ा ताकतवर देश विश्व में कोई नहीं होगा और हम विश्व को नेतृत्व दे सकते हैं। बच्चों, आज जो हमारे चारों तरफ माहौल है उसमें गांधी जी के आदर्शों पर लोग चलने से कतरा रहे हैं, उनके आदर्शों को अपनाने से बच रहे हैं, इसलिए हमारे चारों तरफ विश्व में अशांति का वातावरण है। गांधी जी के आदर्शों से शांति का वातावरण पैदा होगा। आज उनकी जयंती पर हम सब नतमस्तक हैं। उनके जीवन के आदर्शों को समझने का प्रयास करें, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने देश में, अपने राष्ट्र में, अपने विश्व में शांति स्थापित करें, शांति से सभी का जीवन चले, सभी लोग शांति में रहें, ये उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। मैं आप सबको आज इस दिवस पर आह्वान करता हूँ कि आप सभी गांधी जी के चरित्र को समझें, उनके जीवन पर जो भी पुस्तकें उपलब्ध हैं उन्हें पढ़ें और उसके अंदर
जो भी भाव, जो भी संदेश आए उसे समझें और अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शाहजहांपुर की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष गांधी जयंती के शुभ अवसर पे आप सभी के लिए गांधी जी पर निर्मित एक सॉन्ग लेकर उपस्थित हुई, यानी कि एक गीत। आशा करती हूँ यह आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। I'm not afraid to die।
नमस्कार, मैं कनिष्का सिंह, कक्षा छठी आ की छात्रा। आज 2 अक्टूबर के पर्व पर गांधी जी की पसंदीदा रामधुन लेकर उपस्थित हुई हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। सीता राम सीता राम, भज प्यारे तो सीता राम। सीता राम सीता राम, भज प्यारे तो सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। धन्यवाद। नमस्कार, मैं तनिष्का गुप्ता, कक्षा 9 बाकी छात्रा। आज आप सबके समक्ष गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर महात्मा गांधी जी के पसंदीदा भजन की धुन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। Thank you.
नमस्कार, मैं प्रतिष्ठा कक्षा 11वीं बाकी छात्रा आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में रामधुन लेकर प्रस्तुत हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। ईश्वर सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्हा तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पावन सीता राम। कौशल्या का वाला राम, दशरथ जी का प्यारा राम। धन्यवाद।